लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। झोपड़े में लगी आग से अरुंधति और बालक गंगाधर की मृत्यु नहीं हुई है, ये बात महागुरु ने बताई थी चिंतित सूर्यांशी समुदाय से। अब शीघ्रता कीजिए वेदराज, वो दोनों वन में अकेले हैं। किसी भी तरह उन्हें विश्वास में लेकर आपको गुटिंडा ग्राम की ओर प्रस्थान करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। इनके पति का दाह संस्कार करने के पश्चात मैं इन्हें गांव में ले आया हूँ, यही रखने का विचार है। मुझे आशा है आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। कैसी बातें करते हैं वेदराज जी, ये केवल आप ही की नहीं सारे गांव की बहन है। ए गंगाधर, तू क्या रोज नदी के किनारे बैठकर लोटे से नहाता है? अरे नदी में तो ऐसे ही नहाया जाता है हमारी तरह। ओ, ए, ओ, एक बार और बस, अपने हाथ और पांव दोनों चलाओ बस, देखो तुम्हें तैरना आ रहा है, ऐसे ही बस। और अब देखिए आज इतना ही बहुत है, घर पर माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ऐसा करो, कपड़े पहनो और जल्दी से घर जाओ, और कल फिर इसी समय यही आना है। कपड़े पहन लो। जब पानी से डर निकल जाता है तो तैरना अपने आप आ जाता है, समझे? अब गांव के दूसरे बालक भी तो तैरते हैं ना तुम्हारे साथ, पानी से डरते थोड़े ही हैं। अच्छे बच्चे किसी से नहीं डरते, ये बात हमेशा हमेशा याद रखना। हाँ ऐसे, हाँ लो वत्स, अब जाओ। रुक क्यों गए बस, जाओ। वो कुत्ता चाचा, वो कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ। नहीं चाचा, वो हमें काट लेगा। मैंने कहा ना वो कुछ नहीं करेगा, जाओ तुम। नहीं, मैंने कहा ना जाओ।
नहीं वे चाचा। जाओ। बचाइए वे चाचा, बचाइए, वो हमें काट लेगा वे चाचा। ओ बस, वो नहीं काटेगा तुम्हें। नहीं वे चाचा, वो हमें काटने वाला था वे चाचा। तुमने किसी कुत्ते को कभी किसी को काटते देखा है वत्स? नहीं वे चाचा, वो हमें काटने वाला था। ये तुम कैसे कह सकते हो वत्स? क्योंकि केवल ये हमें ही देख के भौंकता है और हमें ही काटने वाला था। ये तुम्हें देखकर केवल इसलिए भौंकता है कि इसे पता है कि तुम इससे भयभीत होते हो। हाँ वत्स, दूसरे लोग कुत्ते को देखकर भयभीत नहीं होते, इसलिए वो दूसरों को देखकर नहीं भौंकता है। इसलिए निडर होकर उसके सामने जाओ, वो नहीं भौंकेगा। नहीं नहीं वे चाचा, हम आपके साथ ही चलेंगे। नहीं वत्स, नहीं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। नहीं वे चाचा। कहा ना, जाओ जाओ वत्स। वो फिर भौंकने लग गया वे चाचा। देखो, वो तुम्हें देखकर इसलिए भौंका कि तुम उसे देखकर फिर से डर गए। परंतु हम क्या करें, हमें भय लगता है। भय को अपने हृदय से बाहर निकाल फेंको वत्स। तुम अपने आप को कुत्ते से दुर्बल क्यों समझते हो? अपने आप को तुम उससे अधिक शक्तिशाली समझो। निडर होकर उसकी आँखों में देखो, वो दुम दबाकर पीछे भाग जाएगा। अगर वो नहीं भागा तो? देखो, यदि तुम अपने आप को उससे दुर्बल समझोगे, वो कभी नहीं लौटेगा और बार बार भौंकेगा। तुम्हें अपने आप को उससे अधिक शक्तिशाली समझना है वत्स। अपने आप को उससे अधिक शक्तिशाली समझो और निडर होकर उसकी आंखों में देखो, तो वो तुम दबाकर लौट जाएगा। तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो वत्स, तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। जाओ जाओ। याद रहे वत्स, अब अगर कुत्ते से डरकर वापस लौटे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यही बैठे रहना सारा दिन। तुम कुत्ते से अधिक शक्तिशाली हो वत्स, जाओ जाओ। अवश्य अवश्य। देखिए, मैंने कहा था ना, एक दिन भय के आवरण को चीर कर इसकी आत्मशक्ति अवश्य जागृत होगी। क्या हुआ रे, क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? माँ, आज मैं उससे नहीं डरा, उल्टा मैंने उसे डराया। डरा दिया? किसकी बात कर रहा है तू? कुत्ते की। ओ, कुत्ते को डरा कर आया है तू? हाँ, वो रोज मुझे डराता था ना, आज मैं उसे डरा के आया हूँ। कैसे? ऐसे, उसकी आंखों में आंखें डाल के। वो रोज मुझे काटने के लिए दौड़ता था माँ, और मैं डर के मारे भाग जाता था। आज जैसे ही उसने मुझको देख के भौंका, मैंने यूं उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, और जब मैं आगे बढ़ता गया, वो पीछे हटता गया और वो भाग गया। लेकिन कुत्ते की आंखों में देखने की बात तेरे दिमाग में आई कैसे? बताओ कैसे, वैद्य चाचा ने बताई। गंगाधर, लो तुम्हारे वैद्य चाचा भी आ गए।
आइए आइए बैठिए। आजा बेटा आजा। हाँ बहन, फिर क्या सोचा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसे ऐसे ही रखूंगी क्या? पाठशाला नहीं भेजना है? पाठशाला जाने लायक तो हो गया ये। मैं खुद ही ये बात आपसे कहने वाली थी, लेकिन क्या गुरुजी इसे पाठशाला में रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये और बच्चों से अलग जो है, आपको तो पता है कि ये बाहर के बच्चों को देखकर बात तक नहीं करता, घबरा जाता है। दूसरे बच्चे और बच्चों को देखकर कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन ये दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख घर के अंदर भागा चला आता है। अगर गुरुजी ने इसे रख भी लिया तो मुझे नहीं लगता ये वहाँ रहेगा, भाग कर चला आएगा। तो इसको क्या ऐसे ही रखना है? इसका यही दब्बूपन तो निकालना है। याद है कुत्ते से कितना डरता था? बच्ची चाचा, अभी मैं कुत्ते से नहीं डरता हूँ। इसका अर्थ है इसके भीतर आत्मबल है, इसी आत्मबल को तो जागृत करना है, और इसके लिए इसका पाठशाला जाना नितांत आवश्यक है। ठीक है भैया, तो फिर आप गुरुजी से बात करेंगे? हाँ, आज हम गुरुजी से बात करेंगे, और तुम बेटा कल पाठशाला जाने के लिए तैयार रहना। हाँ। और फिर बालक गंगाधर को पाठशाला भेजा गया, जहाँ उसे अन्य बालकों की भांति प्रारंभिक शिक्षा दी जाने लगी। दयालुता और त्याग भी उसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके इन गुणों से जुड़ी एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब तक बालक गंगाधर थोड़ा बड़ा भी हो गया था। मैं इस बार दिवाली के मेले से ना इतना बड़ा शेर खरीदूंगा, और मैं दिया वाला हाथी खरीदूंगा, और मैं तो नए कपड़े खरीदूंगी। कपड़े तो हम सब खरीदेंगे, लेकिन खिलौने? खिलौने तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन जो पैसे हैं उनसे मैं पटाखे खरीदूंगी। ए गंगाधर, तू चुप क्यों खड़ा है? तू बताना क्या क्या खरीदेगा आज मेले में? वो बेचारा तो गरीब है, उसके पास पैसे कहाँ से होंगे? नहीं नहीं, मेरी माँ के पास पैसे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगा, मैं भी पटाखे खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा। मैं भी जाके माँ के पास से पैसे लेके आता हूँ। ए गंगाधर, जल्दी पैसे लेके आना, हमें मेले में जाने की बहुत जल्दी है। हाँ अभी आता हूँ। बहन जी, आपके लिए साड़ी लाई हूँ, गाँव में सभी औरतों ने साड़ियाँ ले ली है, ये देखिए आपके लिए सफेद साड़ी। नहीं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ 10 रुपए की तो है साड़ी, ले लीजिए ना बहन, साड़ी बिक जाएगी। आपकी ये साड़ी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब दिवाली भी आ रही है, ले लीजिए ना एक साड़ी। नहीं बहन, ये साड़ी कुछ दिन और चल जाएगी, रहने दो। आपकी मर्जी बहन जी, आपको कभी साड़ी की जरूरत पड़े तो हमें बुला लीजिएगा, हम आपको दे जाएंगे साड़ी, सस्ते में साड़ी। जय राम जी की बहन जी। जय राम जी। हम जा रहे हैं। माँ। अरे गंगाधर, तुम आओ बेटा, भूख लगी है? नहीं। कुछ चाहिए? हाँ। क्या? पैसे। हाँ माँ, मुझे पैसे चाहिए। पैसे लेकर क्या करेगा तू? मेरे सारे दोस्त मेले में जा रहे हैं, वहाँ जाके खूब सारे कपड़े खरीदेंगे, पटाखे खरीदेंगे और खिलौने खरीदेंगे। मुझे भी मेले में जाना है, मैं भी वहाँ कपड़े खरीदूंगा, ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा, पटाखे भी खरीदूंगा। आप मुझे पैसे दोगी ना माँ? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे बेटा? माँ झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, गुरुजी बोलते हैं। आपकी पेटी में पैसे हैं। लेकिन बेटे, वो पैसे मैंने मुसीबत के वक्त के लिए रख छोड़े हैं। मुसीबत के वक्त? ये क्या होता है माँ? नाना, तू ना जाने वही अच्छा है, भगवान तुझे मुसीबतों से दूर रखे। बोलो ना माँ, मुझे पैसे दोगी ना?
हाँ बेटे जरूर दूंगी, ठहर अभी लाती हूँ। ये लो, ये एक और लो, बस खुश। थोड़े और दो ना माँ। इतने पैसों को लेकर क्या करेगा तू? आजकल पटाखे बहुत महंगे आते हैं माँ, 4 रुपया और। अच्छा, एक दो तीन चार, देखो संभल कर जाना, पैसे कहीं गिराना नहीं। नहीं गिराऊंगा माँ। अच्छा। अब मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरी राह देख रहे होंगे। काश तेरे पिता भी आज जीवित होते बेटा। तरकारी ले लो तरकारी, तरकारी ले लो तरकारी, पालक धनिया चौली मेथी, तरकारी ले लो तरकारी। तेरे से इतनी साड़ियां लेती हूँ, 10 रुपए बहुत महंगे हैं, इसका दाम 9 रुपया होना चाहिए। मुझे ये साड़ी चाहिए। तुम इस साड़ी का क्या करोगे बेटा? मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए। पैसे लाए हो? ये लो। दो तो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 रुपए पूरे हैं। कौन है ये? अरुंधति का बेटा है। कमाल है, अभी उसकी माँ ने ना बोल दिया नहीं चाहिए साड़ी, फिर अपने बेटे को भेज के मंगा लिया। माँ ये क्या, इतनी जल्दी आ गया तू? हाथ में क्या है दिखा, चल दिखा। साड़ी? हाँ माँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहाँ से लाया तू, कहीं चुरा के तो नहीं लाया? नहीं नहीं, वो जो मेले के लिए जो पैसे दिए थे उनसे साड़ी ले आया। क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें मेले के लिए पैसे दिए थे ना, खिलौने और पटाखों के लिए दिए थे ना। लेकिन तुम्हारी साड़ी भी तो पुरानी हो चुकी थी, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने साड़ी वाली से भी साड़ी नहीं खरीदी। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब दिवाली के वक्त तुम्हारे दोस्त खिलौनों से खेलेंगे, पटाखे जलाएंगे, तब क्या करेगा रे तू? तुझे दुख नहीं होगा? नहीं माँ, मुझे दुख नहीं होगा, मैं अपनी माँ को नई साड़ी पहनते हुए देखूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे देख लेना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरुंधति इधर बालक गंगाधर से स्नेह बढ़ा रही थी, मगर उसे पता नहीं था कि अब गंगाधर से उसके बिछोड़ का समय आ पहुंचा है। तेरा एकम तेरा, तेरा दूनी 26, तेरा दिया 39, तेरा चौका 52, तेरा। चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे पहाड़ा याद करना है। कर लेना, पहले खाना खा ले, लो तुम पहाड़ा याद करो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, ठीक है? तेरा एकम तेरा, तेरा दूनी 26, तेरा दिया। बस इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए और वो घड़ी भी आ गई जिसकी प्रतीक्षा थी सूर्यांशी समुदाय को 6000 वर्षों से।
नहीं सूर्यांशी, दिव्य दृष्टा नहीं, ये इतनी सहजता से संभव नहीं होगा। बहन अरुंधति ने इस बालक को अपने सगे बालक की भांति पाला है। गंगाधर के अतिरिक्त उनका इस संसार में और कोई नहीं है। परंतु विकल्प संसार के पास भी नहीं है सूर्यांशी मृत्युंजय। संसार को जिस महानायक की आवश्यकता है वह बालक गंगाधर ही बन सकता है। मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है, परंतु मुझे चिंता केवल बहन अरुंधति की है। वो सहजता से इस बालक को हमें सौंप नहीं पाएगी। परंतु बालक गंगाधर की दीक्षा के लिए उसका यहां से जाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, नितांत आवश्यक है इस संसार की भलाई के लिए। हमें इस बालक को दीक्षा के लिए यहां से ले जाना ही होगा। बहन अरुंधति को सहना ही होगा गंगाधर से विछोह का दुख। मैं बहन अरुंधति से बात करूंगा। नहीं नहीं, मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। इतनी स्वार्थी ना बनो बहन। ये मेरा स्वार्थ नहीं, मेरी ममता है भैया। परंतु तुम्हारी ममता तुम्हें स्वार्थी बना रही है बहन। देखो, अपने उज्जवल भविष्य के लिए गंगाधर को तुमसे दूर जाना ही होगा। लेकिन उसके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं? तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। लेकिन वो भी मेरे बगैर कैसे रह पाएगा भैया? उसे खाना भी तो मैं ही खिलाती हूँ, मेरे बिना नहीं रह पाएगा वो। तो क्या तुम उसे आयु पर्यंत ऐसे ही रखना चाहती हो? उसके उज्जवल भविष्य की कोई कामना नहीं है तुम्हें? हमेशा तो तुम उसे अपने साथ रख भी नहीं पाओगी। एक न एक दिन तुम्हें भी तो मृत्यु का वरण करना होगा। सोचो बहन, क्या होगा तुम्हारे बाद इस बालक का भविष्य? कौन संभाल पाएगा इसे? इसीलिए उसे इस योग्य बनाना ही होगा कि वो न केवल अपना जीवन जी सके बल्कि दूसरों का भी सहारा बन सके। और ये तभी संभव होगा बहन, जब तुम उसे गुरुकुल भेज दोगी। इस गांव में रहकर न उसकी उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सकेगा, न उसका कोई भविष्य बन पाएगा। इसलिए उसका गुरुकुल जाना अत्यंत आवश्यक है। परंतु ये गुरुकुल कहाँ है भैया? यहाँ से अत्यंत दूर हिमालय की तराई में है बहन। परंतु चिंता की बात नहीं है, वहां गंगाधर जैसे ही और भी कई बालक होंगे। वहां गंगाधर बहुत सुखी रहेगा। लेकिन इतनी दूर, इतनी दूर जाने के बाद वापस कब लौटेगा मेरा गंगाधर? जाने के पश्चात तो 12 वर्ष पश्चात ही लौट पाएगा। 12 वर्ष? 12 वर्ष उसके बिना? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा ये। तुम्हें उसके बिना रहना ही होगा बहन। तुम्हें याद है जब तुम गांव आई थी तब तुमने क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा था ना बहन, केवल जन्म देने से ही कोई व्यक्ति माता या पिता कहलाने का अधिकारी नहीं बनता है। अधिकारी तब बनता है जब अपने परिश्रम से बालक का भरण पोषण करे। बोलो, कहा था ना? हाँ। और आज मैं तुमसे कहता हूं, केवल भरण पोषण करना ही पर्याप्त नहीं है। माता पिता कहलाने का अधिकारी व्यक्ति तब बनता है जब बालक को उच्च शिक्षा दिलाकर उसे किसी योग्य बना पाए। और बालक गंगाधर गुरुकुल जाकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगा और किसी योग्य बन पाएगा। देखो, ये बस समझो कि बालक गंगाधर को अपने से दूर करके मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे ही गोद में खिलकर तो बड़ा हुआ है ये बालक, परंतु मेरे और तुम्हारे दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इस बालक का भविष्य है बहन। ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझे। गंगाधर के भविष्य के लिए मैं अपने आप को पत्थर बना लूंगी, भेज दूंगी उसे अपने से दूर। देखो बहन, तुम्हें
एक बात का और ध्यान रखना है, गंगाधर के समक्ष कभी रोना नहीं है तुम्हें। तुम्हारी आंखों में अश्रु देखकर यह बालक भी तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। नहीं रोऊंगी मैं, नहीं रोऊंगी। देखो, गुरुकुल के आचार्य मेरे परम मित्र हैं, मेरे साथ इस समय मेरे ही घर पर ठहरे हैं। हम कल ही बालक गंगाधर को भी आचार्य के साथ ही गुरुकुल भेज देते हैं। जैसे आप उचित समझे। बालक गंगाधर के उज्जवल भविष्य के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख लिया अरुंधति देवी ने, और दूसरे ही दिन गंगाधर को तैयार कर दिया दिव्य दृष्टा के साथ भेजने को। जाओ बेटा, अब इनकी बात मानना। परंतु ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे माँ? ये तुम्हें बड़ी पाठशाला लेकर जाएंगे। बड़ी पाठशाला? मतलब हमारे गांव की पाठशाला से भी बड़ी पाठशाला माँ? हाँ बेटे, बहुत बड़ी पाठशाला है बेटा। अब चलता हूँ वैद्यराज जी, विलंब करना उचित न होगा। हाँ चल। प्रणाम। प्रणाम। चलो वत्स, आओ। देखो बेटा, अब पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वापस दौड़कर मेरे पास आ जाओगे। तुम्हें तो इनके साथ जाना है ना, इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं देखोगे ना, ले जाइए, ले जाइए। आओ। धीरज रखो बहन, आचार्य दिव्य दृष्टा गंगाधर को वही लेकर गए हैं जहां उसे होना चाहिए, वही भविष्य है उसका। लेकिन भैया, मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं अपने हृदय को? इस बेचारी को कहां पता है कि ये यहां जिसके लिए रो रही है वहां उसी के स्वागत के लिए असंख्य लोग खड़े हैं। आवाज। लेकिन आप मुझे यहां कहां लिए? वह चाचा ने तो कहा था कि आप मुझे बड़ी सी पाठशाला लेके जाएंगे, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए?
और ये सब कौन है? वत्स, ये बड़ी पाठशाला ही तो है, आओ तो तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। आओ। प्रणाम गुरुदेव। वत्स, प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव पुत्र। अब चलिए यहां से, मुझे घर से निकले बहुत दिन हो गए, माता चिंतित होगी। गुरुदेव, इसकी माता को सब कुछ ज्ञात है, परंतु कदाचित ये यहाँ आने को तैयार ही नहीं होता, इस हेतु मैंने अब तक इसे कुछ भी नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बताओ ना, बताओ ना। यही बात नहीं बताई पुत्र, कि आज से तुम्हें यहीं रहना है हमारे साथ। नहीं, मुझे घर जाना है। नहीं वत्स, अब ये स्थान ही तुम्हारा घर और पाठशाला दोनों है, यहीं रहकर तुम्हें विद्या ग्रहण करनी होगी। नहीं, माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं वत्स, माँ के पास तो अब तुम विद्या ग्रहण करने के पश्चात ही जा पाओगे। नहीं, मुझे मुझे घर ले चलिए, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। देखो वत्स, मैं तुम्हारी माता से आज्ञा लेकर ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और तुम्हारी माता भी यही चाहती है कि तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनकर घर लौटो। नहीं, मुझे माँ के पास ले चलिए, मुझे माँ के पास जाना है, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। मुझे माँ के पास ले चलिए ना, मुझे घर जाना है। मुझे माँ के पास ले चलिए ना, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। कुछ समय उपरांत ये संयत हो जाएगा, जब तक संयत नहीं हो जाता आप इसके पास रहिए आचार्य दिव्य दृष्टा। चलो आज्ञा गुरुदेव, चलो वत्स। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास ले चलिए, मुझे माँ के पास ले चलिए ना, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे ले चलिए ना। गंगाधर, गंगाधर, बाला गंगाधर, गंगाधर कहाँ चला गया? गंगाधर, गंगाधर, वत्स, गंगाधर, गंगाधर। क्या हुआ आचार्य, आप किसे पुकार रहे हैं? गंगाधर को, बालक गंगाधर अपने शैया पर नहीं है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं। हे ईश्वर, कहाँ चला गया? उसे ढूंढो, सूर्यांश वेदांग को से ढूंढो, जाओ। जी आचार्य। गंगाधर, 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 गंगाधर। क्या हुआ आचार्य, आप लोगों ने गंगाधर को कहीं देखा? जी नहीं आचार्य। जाओ उसे ढूंढो। गंगाधर, 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 गंगाधर। क्या हुआ, आपने गंगाधर को देखा? नहीं, क्यों, कहां चला गया? क्या आप लोगों ने गंगाधर को देखा? जी नहीं। गंगाधर, गंगाधर, सुना तुमने, गंगाधर कहीं चला गया है? मैंने सभी गुफाओं में देखा, वो कहीं नहीं है। आचार्य जी, आचार्य जी, गंगाधर हमने बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। आचार्य जी, आचार्य जी, गंगाधर कहीं नहीं मिला। आचार्य जी, गंगाधर नहीं मिला, पता नहीं कहां चला गया। मुझे अतिशीघ्र ये समाचार गुरुदेव को देना चाहिए। गुरुदेव। आयुष्मान भव, क्या बात है आचार्य,
दिवस आरंभ में ये मुख पर चिंता के लक्षण कैसे? अनर्थ हो गया गुरुदेव, घोर अनर्थ हो गया। वो बालक गंगाधर कदाचित यहाँ से भाग गया है, परंतु मुझे ज्ञात है कि वो अवश्य अपने ग्राम गया होगा। मैं पुनः उसे लेकर आऊंगा गुरुदेव। वो स्वयं आ जाएगा आचार्य। स्वयं आ जाएगा? हाँ, स्वयं आ जाएगा, परंतु प्रकृति की लीला भी अपरंपार है। प्रकृति ने उस मोह को भंग करने के लिए व्यवस्था कर दी। मोह भंग होते ही वो स्वयं आ जाएगा आचार्य। माँ, माँ मैं पाठशाला छोड़ आया हूँ, अब मैं वहां नहीं रहूंगा। माँ, 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 कहाँ चली गई होगी? अरे अरे भाई लोग, अरे भाई लोग, अरुंधति नदी में डूब गई, 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 भाई लोग, चलो, माँ, ऐसा कैसे हो गया? अरे नहीं, अरे नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। नहाते हुए नदी की तेज धारा में बह गई अरुंधति, नदी में डूब गई। नाव वाले ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी साड़ी हाथ लगी। माँ, 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 कमाल हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। बेचारी दुखी थी। माँ, माँ मैं आ गया, माँ, माँ मैं आ गया, माँ, माँ मैं आ गया, माँ, माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ मैं वापस आ गया, माँ, माँ, माँ मैं वापस आ गया, माँ, माँ, मैं वापस आ गया, माँ, माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। वैद्य चाचा, मेरी माँ मर गई। वैद्य चाचा, वैद्य चाचा, मेरी माँ मर गई। वैद्य चाचा, वैद्य चाचा भी नहीं है, किधर जाऊं? अरे अरे अरे, गंगाधर आ गया, गंगाधर आ गया, अरे गंगाधर आ गया, अरे गंगाधर आ गया, गंगाधर आ गया, तू देखो गंगाधर आ गया, गंगाधर आ गया। श्री सत्य की कोई भी बात असत्य हो ही नहीं सकती। अरे गंगाधर आ गया, हां भाई, कोई बात नहीं, परेशान हो गया, गंगाधर तुम आ गए, कहां चले गए थे? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, महागुरु भी चिंतित थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा और जा भी नहीं सकता, मेरी माँ गंगा में डूब के मर गई। ओ, तो इसीलिए 2 साल पहले वाले शक्तिमान ने जंगल में अरुंधति देवी को देखकर ये कहा था कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका। हाँ, मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, इसे भी मेरा दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। नहीं वत्स, तुम्हारी माता की सेवा करना तुम्हारे भाग्य में है। क्या? हाँ वत्स, वास्तव में उस समय मृत्यु नहीं हुई थी अरुंधति देवी की, परंतु गांव वालों ने तो कहा था कि नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। नहीं वत्स, वो नदी की धारा में बह अवश्य गई थी, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई थी।
गुटिंडा ग्राम में कुछ दूर नदी में स्नान करते हुए ब्रह्मचारियों की दृष्टि उन पर पड़ गई थी और उन्होंने अरुंधति देवी को नदी की धारा से बाहर निकाल लिया था। तो इसका मतलब है कि उस आश्रम में वो आज भी होंगी? नहीं, परंतु क्यों? कुछ दिनों के पश्चात वो आश्रम को छोड़कर कहीं चली गई थी। वहां से कहां चली गई वो? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है वत्स। क्या? हाँ वत्स। परंतु ये कैसे हो सकता है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब कुछ पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माँ कहाँ चली गई। मुझमें उतना ही ज्ञान है वत्स जितना सूर्यांशी मृत्युंजय शर्मा ने मुझमें भरा था। इससे आगे की घटना नहीं है मेरे अंदर। तो फिर कैसे कह दिया आपने कि मातृ सेवा का सौभाग्य मेरे भाग्य में है? मेरी माँ जीवित है, परंतु मुझे पता नहीं कि कहाँ है वो, कहाँ मिलेगी वो। इसका मतलब अब भी नहीं मिल पाऊंगा मैं उनसे। नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। तुम्हारे भाग्य के अनुसार वो अब तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगी। निकट भविष्य में ही होने वाली तुम्हारी किसी परीक्षा के उपरांत तुम्हारा उनसे मिलन अवश्य होगा। लेकिन कब? ये मुझे ज्ञात नहीं वत्स। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। मैं तो तुम्हारे जीवन की कथा सुनाने आई थी। अब मुझे परलोक में सूर्यांशी मृत्युंजय के पास लौटना होगा। लेकिन मेरी कथा तो अभी भी अधूरी है। ये मुझे ज्ञात नहीं है वत्स। मुझे आज्ञा दो। शक्तिमान, सुना तुमने? मेरी माँ जीवित है, मेरी माँ जीवित है, परंतु मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुझे वो। मणि ने कहा ना, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगी। परंतु कब मिलेगी मुझे वो?